good morning students i am pratima bhardwaj so today we will discuss about the food standards and laws so introduction india is having significant food production india has large production of milk sugarcane rice wheat pulses etc but globally we contribute very little as exporter this is because of shortage of technical skills

लार्ज प्रोडक्शन है है ना बट क्या होता है कि हम बहुत ही कम चीज़ों को मतलब बहुत ही कम फूड मटेरियल्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है क्यों इंडिया से बाहर बहुत कम एक्सपोर्ट क्यों करते हैं क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल स्किल एंड इक्विपमेंट ठीक है हमारे यहाँ क्या है टेक्निकल स्किल्स और इक्विपमेंट का कमी है साथ ही साथ और किस चीज़ का कमी है लैक ऑफ Knowledge of safety standards. Safety standards knowledge ki. So we need to have proper knowledge of various food standards being followed nationally and internationally, right? So food standards to prevent adulteration and to maintain availability of good quality food stuff. The government has set up certain institutions for standardization. दे आर ठीक है क्या बोल रहा है फूड एडल्ट्रेशन को और फूड के अवेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उसकी गुड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा इंस्टीट्यूशंस बनाए गए किसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ठीक है जो कि क्या है कोडेक्स एलिमेंट्रीज प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट पी एफ ए द एगमार्क स्टैंडर्ड्स देन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ओके

इट इज क्या है ये इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स ओके मतलब इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज किए गए हैं उसका कलेक्शन है जिसमें क्या क्या किया जाता है फूड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस गाइडलाइंस एंड अदर रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू फूड ठीक है और जो रिकमेंडेशन है फूड से रिलेटेड एंड फूड प्रोडक्शन एंड फूड सेफ्टी ये सारी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं ओके okay? देन इट्स टेक्स्ट आर डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाई द कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन अ बॉडी दट वॉज इस्टिश इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री बाई द फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन्स ठीक है क्या बोल रहा है ये जो कोडिक्स है कोडेक्स एलिमेंट्री है जो बनाया गया है वो किसके द्वारा गाइड होता है किसके द्वारा डेवलप किया गया है कोडिक्स एलिमेंट्रीज कमीशन ठीक है अ बॉडी दट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कब हुआ ये इस्टेब्लिश नाइनटीन सिक्सटी थ्री में किसके द्वारा बनाया गया ये बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ठीक है ये कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन बनाया गया इन सभी चीज़ों को जो मैंने पहले बताया उसको डेवलप करने के लिए मेंटेन करने के लिए जो कि 1963 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया ठीक है

फेयर प्रैक्टिस इन द इंटरनेशनल फूड ट्रेड मतलब जो इंटरनेशनली फूड क्या हो रहा है ट्रेडिंग हो रहा है मतलब जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हो रहा है वो क्या हो बहुत ही अच्छे से फेयर हो मतलब सही से हो कोई उसमें अडल्ट्रेशन uh, ना हो कोई गड़बड़ी ना हो इन सब चीजों का ध्यान रखना ही इसका एम था ठीक है देन द कोडेक्स एलिमेंट्रीज इज रिकोगनाइज बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन as an international reference point for the resolution of disputes concerning food safety and consumer protection theek hai kya bol raha hai the codex alimentarius is recognized by the world trade organization ठीक है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मेंटेन करता है ट्रेडिंग को मेंटेन करता है है ना उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया किसको कोडेक्स एलिमेंट्रीज को ठीक है कैस किस लिए रिकॉग्नाइज किया गया एज एन इंटरनेशनल रेफरेंस ठीक है एक इंटरनेशनल रेफरेंस कमीशन के रूप में कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन को डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया ओके पॉइंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट कंसर्निंग फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन किस लिए किया गया कि उस कमीशन के द्वारा जो फूड को लेके जो लोगों के लिए कंसर्न है जो डिस्प्यूट कंसर्न है, है ना जो प्रॉब्लम्स वो उनकी सॉल्व करते हैं जो नॉर्मल uh, पब्लिक है उनकी नॉर्मल पब्लिक का सेफ्टी यानी कि जो कंज्यूमर हैं उनको उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं उन सारी चीज़ों को उनका देखा गया जिसके बेस पे उन्हें इंटरनेशनल रेफरेंस पॉइंट पे क्या किया गया रिकॉग्नाइज किया गया ओके द नेक्स्ट इज स्कोप The Elementaries contains general standard covering matters such as food labeling, food hygiene, फूड एडिटिव एंड पेस्टिसाइड रेसिड्यूज एंड द प्रोसीजर्स फॉर एसेसिंग द सेफ्टी ऑफ फूड्स डिराइव्ड फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ठीक है क्या हो रहा है द एलिमेंट्रीज़ कंटेन जनरल स्टैंडर्ड कवरिंग जो कोडेक्स एलिमेंट्रीज है कमीशन है वो जनरल स्टैंडर्ड्स को कवर कर रहा है ठीक है कौन कौन से स्टैंडर्ड कवर कर रहा है मतलब कौन कौन से मैटर्स कवर कर रहा है एज फूड लेबलिंग फूड हाइजीन फूड एडिटिव्स एंड पेस्टिसाइड रेसीड्यूज एंड प्रोसीजर्स फॉर असिसिंग द सेफ्टी ऑफ फूड ठीक है डराइवड फ्रॉम जो कि किससे डराइव हो रहा है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ठीक है जो बायो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो फूड आ रहे हैं है ना फूड्स जो डेराइव हो रहे हैं उनके क्या सेफ्टी का जो प्रोसीजर है जो पेस्टिसाइड रेसीड्यूज है है ना फूड एडिटिव्स कर रहे हैं फूड एडिट करते हैं उस पर फूड हाइजीन पे फूड लेबलिंग पे, पे इन सारी चीज़ों को वो कवर करता है और मेंटेन करता है ओके द कोडेक्स एलिमेंट्रीज इज़ पब्लिश इन सेवरल इन सेवरल लैंग्वेजेस ठीक है अलग अलग लैंग्वेज में ये पब्लिश किया गया अरेबिक चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच एंड स्पेनिश ठीक है क्यों अलग अलग लैंग्वेज में किया गया क्योंकि ये क्या कर रहा था ट्रेडिंग है मतलब इंटरनेशनली ट्रेडिंग के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या कर रहा था ये मतलब स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए क्या कर रहा था ये हेल्प कर रहा था सारी चीजों का ध्यान रख रहा था है ना तो सारे देशों में जा रहा था तो उसके बेस पे अलग अलग लैंग्वेज में इसे पब्लिश किया गया ठीक है तो उसके अंडर फिर क्या क्या कवर कर रहा था वो फूड लेबलिंग फूड एडिटिव तो फर्स्ट है फूड लेबलिंग इट कवर्स जनरल स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस ऑन न्यूट्रिशन लेबलिंग है ना फूड लेबलिंग के अंडर वो क्या कवर कर रहा था जो जनरल स्टैंडर्ड्स है किसका और गाइडलाइंस है न्यूट्रिशन का है ना उसके लेबलिंग को भी मैनेज करता था कि लेबलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो फूड कंटेंट्स अवेलेबल हैं उसी का लेबल है या फिर जो लेबल है वो फूड कंटेंट्स में अवेलेबल है या नहीं ठीक है देन फूड एडिटिव इट इंक्लूड्स जनरल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग ऑथोराइज यूजेस स्पेसिफिकेशनस फॉर फूड ग्रेड केमिकल्स ठीक है इस इसपे जो कौन कौन सा केमिकल और स्पेसिफिकेशन जो फूड के लिए मेनली जो कंटेंट है ना यूज किए जा रहे थे वो ऑथोराइज है या नहीं वो परमिटेड कंटेंट को यूज कर रहे हैं या फिर बैंड कंटेंट्स को यूज कर रहे हैं ये सारी चीजों का ध्यान रखते थे ठीक है देन कंटामिनेंट्स इन फूड्स इट इंक्लूड्स जनरल स्टैंडर्ड टॉलरेंस फॉर स्पेसिफिक कंटामिनेंट्स इंक्लूडिंग रेडियो रेडियोन्यूक्ड्स एफ्लाटॉक्सिन एंड अदर माइकोटॉक्सिन्स ठीक है फूड्स में जो कंटामिनेंट्स हैं उसका भी ध्यान रखा जाता था तो उसके अंदर क्या क्या ध्यान रखते थे उसका भी जनरल स्टैंडर्ड कौन सा टॉलरेंस फॉर स्पेसिफिक कंटामिनेंट्स ठीक है क्या है कुछ भी अगर कंटामिनेशन हो रहा है बाई चांस तो वो टॉलरेबल है या नहीं पेशेंट का कहीं मतलब जो कंज्यूमर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, है ना तो अगर कल को वो कंटामिनेट होता है तो टॉलरेबल है कि नहीं है ना तो वो चेक करना था तो उसके अंदर क्या था रेडियो न्यूक्इड्स एफलाटॉक्स एंड अदर जो माइक्रोटॉक्स हैं वो ठीक है देन नेक्स्ट है पेस्टिसाइड एंड वेटरनरी वेटनरी केमिकल रेसिड्यूज इन फूड्स इट गिव्स मैक्सिमम रेसिड्यूज लिमिट्स ठीक है क्या बोल रहा है पेस्टिसाइड और वेटनरी केमिकल रेसिड्यूज मतलब वेटनरी किसके लिए यूज किया जाता है वर्ड एनिमल्स के लिए है ना तो कोई भी फूड ऐसा कंट, फूड कंटेंट या फिर पेस्टिसाइड मिला हुआ जिससे किसी भी एनिमल को भी तो नुकसान नहीं हो रहा है खाने से है ना ह्यूमन बीइंग तो ठीक है बट किसी एनिमल को भी तो नुकसान नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता था जिसके मैक्सिमम क्या रेसिड्यूज लिमिट्स बनाए गए थे ठीक है देन रिस्क असमेंट्स इट इन्वॉल्वस प्रोसीजर्स फॉर डिटरमाइनिंग द सेफ्टी ऑफ फूड्स डेराइव्ड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी डी एन ए मॉडिफाइड प्लांट्स डी एन ए मोडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एलर्जेंस ठीक है क्या बोल रहा है रिस्क असेसमेंट के अंदर क्या क्या किया जाता था इट इन्वॉल्व प्रोसीजर्स फॉर डिटरमाइनिंग द सेफ्टी ऑफ फूड ठीक है डिराइव फ्राम बायोटेक्नोलॉजी मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो फूड डिराइव हो रहे थे है ना जो फूड मिल रहा था वो क्या था वो सेफ्टी है कि नहीं है ना वो सेफ है कि नहीं इन सब चीज़ों का डिटरमाइन करने का जो प्रोसीजर था वो इसके अंदर इन्वॉल्व था सो so, उसमें क्या था बायोटेक्नोलॉजी में डी एन ए मोडिफाइड प्लांट्स है ना डी एन ए मोडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अलर्जेंस ठीक है नेक्स्ट क्या है फूड हाइजीन इट कवर्स जनरल प्रिंसिपल्स कोर्ड्स ऑफ हाइजीनिक प्रैक्टिस इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और फूड हैंडलिंग इस्टेब्लिशमेंट्स गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ द हज़ार एनालिसिस एंड अ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ऑफ एच ए ए सी पी सिस्टम ठीक है यही क्या है हजार एनालिसिस एंड अ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ठीक है तो इसके अंडर क्या हो रहा था फ़ूड हाइजीन को मेंटेन किया जा रहा था मतलब उसके फ़ूड हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं हमने पहले भी पढ़ा है है ना तो वो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो इसके अंडर कवर कर रहे हैं या नहीं है ना कोड्स ऑफ हाइजीनिक प्रैक्टिस इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ और फूड हैंडलिंग इस्टेब्लिशमेंट है ना जो फ़ूड हैंडलिंग के लिए जो प्रिंसिपल बनाए गए थे वो मैंटेन हो रहा है या नहीं उनको कवर किया जा रहा है या नहीं है ना जो गाइडलाइंस दिए गए हैं हज़ारडस जो हज़ारडस प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ करने के लिए कितना यूज़ करना है क्या नहीं करना है जो गाइडलाइंस दिए गए हैं वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं इन सारी चीज़ों का यहाँ मेंटेन किया जाता था ठीक है देन लास्ट है मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड सैम्पलिंग ठीक है क्या किया जाता था एनालिसिस और सैम्पलिंग मतलब कोई भी फूड प्रोडक्ट को पास करने से पहले उसका सैम्पल लेके उसको एनालाइज किया जाता था ठीक है और जो एनालाइज किया जाता था वो किस मेथड से किया जा रहा है वो सही मेथड से हो रहा है कि नहीं इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता था ठीक है देन द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 ठीक है क्या है ये पी एफ ए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 ठीक है फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज फॉर सस्टेंसेस ऑफ लाइफ Pure, fresh, and healthy diet is most essential for the health of the people. Adulteration of foodstuffs was so widespread and persistent. To check this, the in government introduc introduced the Prevention of Food Adulteration Act in 1954. Okay, so what are the points? First point food is one of the basic necessities for sustenance of life, right? क्या बोल रहा है फूड क्या है हमारा बेसिक नेसेसिटीज है मतलब बेसिक नीड है लाइफ का ठीक है दूसरा प्योर फ्रेश एंड हेल्दी डाइट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल पीपल के हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्योर फ्रेश एंड हेल्दी डाइट होना चाहिए देन एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्ट्स वॉज सो वाइड स्प्रेड एंड परसिस्टेंट ठीक है क्या बोल रहा है एडल्ट्रेशन जो है वो फूड का क्या होता है फूड में एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा है ना वाइड स्प्रेड होने लगा है ठीक है देन टू चेक दिस गवर्नमेंट इंट्रोडक्टेड द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इन नाइनटीन तो उसी एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए और मैंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे क्या बोला गया प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो कि 1954 में स्टैब्लिश हुआ ठीक है जिसके अंदर क्या चेक किया जाता था कि फूड में एडल्ट्रेशन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कितना हो रहा है क्यों हो रहा है इन सब चीजों का मतलब एडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट को लॉन्च किया गया ठीक है कुड बी एम्प्लॉयड फॉर द पर्पसेस ऑफ एडल्ट्रेशन मतलब एडल्ट्रेंट क्या होता है मीन्स एनी मटेरियल विच इज और कुड बी एम्प्लॉयड फॉर द परपज ऑफ एडल्ट्रेशन मतलब कौन सा ऐसा मटेरियल जो कि क्या है जिस जिस चीज़ों को मतलब जैसे कि मान लो मिल्क है है ना मिल्क में क्या मिलाते हैं वाटर तो वाटर क्या हुआ उसका एडल्ट्रेंट हुआ मतलब जिस चीज को मिला रहे हैं जिस मटेरियल को हम मिला रहे हैं वो क्या कहलाएगा अडल्ट्रेंट कहलाएगा ठीक है देन अडल्ट्रेटेड एन आर्टिकल ऑफ़ फूड शेल बी डी टू बी एडल्ट्रेट ठीक है जिस फूड में हम मिलावट कर रहे हैं वो क्या होगा एडल्टरेट फूड होगा ठीक है मतलब अगर हम मिल्क में वॉटर मिला रहे हैं तो मिल्क क्या हो गया एडल्ट्रेट हो गया और वॉटर क्या हो गया एडल्ट्रेंट हो गया ओके? नेक्स्ट पॉइंट क्या है इट इज़ कंटेन सब्सटेंस ऑफ इंफीरियर और चीपर क्वालिटी ठीक है क्या है ये अडल्ट्रेड या फिर जो एडल्ट्रेंट है वो क्या है एक सब्सटेंस है जो कि किस लिए मिलाया जाता है चीप करने के लिए क्वालिटी को है ना अगर हम वन के जी कोई भी मटेरियल है उसमें टू फिफ्टी ग्राम कुछ और मिला दिया जाए तो क्या होगा वजन में बढ़ गया तो हमको प्राइस में कम पड़ेगा ना ठीक है तो क्वालिटी क्या हो गया उसका चीप हो गया ठीक है देन इफ एनी एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड इज पार्शली और फुल्ली एक्सट्रैक्टेड ठीक है कोई भी जो फूड कॉन्स्टिटुएंट है एसेंशियल कॉन्स्टिटुएंट है मतलब जो जरूरी है उसे पार्शली यानी कि हाफ या तो निकाल लिया गया एक्सट्रैक्ट कर लिया गया या फिर फुल्ली एक्सट्रैक्ट कर लिया गया वो क्या है फुल एल्ट्रेशन कहलाता है ठीक है जैसे क्या होता है डेयरी में दूध है ना मिल्क सेल करते हैं उन लोग लेकिन क्या होता है उसमें से घी पहले ही निकाल लिए होते हैं ठीक है थेके? वो भी क्या है फुल एल्ट्रेशन ठीक है देन इफ़ फूड इज कैप्ड अंटर अनहाइजीनिक एंड अनसेफ कंडीशन अगर फूड जो है वो अनहाइजीनिक या फिर अनसेफ कंडीशन में रखा गया है तब देन इफ फूड आर्टिकल कंटेंस एनी रॉट इन डीकम्पोज डिसीज एनिमल और वेजिटेबल्स और इन्सेक्ट इन्फेस्टेड फूड आर्टिकल्स ठीक है ऑलरेडी हम लोग इस बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फूड कंटेंट डीकम्पोज हो गया है या फिर कोई डिसीज कॉज कर रहा है ना या मतलब कुल मिला के डीकम्पोज होकर अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया है या फिर ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया जो विजिबल है तो वो क्या है फूड एडल्ट्रेशन हुआ ठीक है देन फूड मिक्सड विथ एनी पॉइजनस इन्ग्रीडियंट अगर फ़ूड को किसी पॉइजनस इन्ग्रीडियंट के साथ मिलाया जाए तो है ना देन फूड पैक्ड इन कम हज़ार सब्सटेंस ठीक है फ़ूड को जो पैक किए हैं वो किसी हजारडस सब्सटेंस के साथ पैक हुआ आया है तब ठीक है देन इफ़ फूड कंटेंस एनी बैंड कलरिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव मतलब कोई भी ऐसा कलर एजेंट या फिर प्रिजर्वेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया है बैन कर दिया गया है ठीक है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अलाउ नहीं है और अगर वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो मेथड यूज कर रहे हैं तो भी क्या होगा फूड एडल्ट्रेशन ठीक है सो फर्दर टू फूड स्टैंडर्ड्स वी विल सी इन द लास्ट क्लास ओके होप यू विल लाइक इट एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस थैंक यू